अरे भाई, बड़ा तकल्लुफ किया आपने। आओ दिलनशीन बेटा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे होने वाले बच्चे के आने की खुशी में मिठाई लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र ठीक है। अरे क्या करे बेचारी, मेरा अलग ख्याल रखना पड़ता है इसे। मुझे पता नहीं क्या हो गया, कुछ दिन से सर में शदीद दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, यही सब कुछ करती है। बड़े अरमान थे मुझे कि दुल्हन ब्याह कर लाऊंगी तो अपनी बहू के ऐसे लाड करूंगी, इतना कुछ करूंगी, लेकिन भाई मैं तो बिस्तर से ही लग के रह गई। अरे दिलनशीन बेटा, अपने घर वालों को अपने कमरे में लेकर जाओ, मैं चाय वहीं भिजवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम तो आपसे मिलने आए हैं। भाई जरूर जरूर, लेकिन कुछ देर बेटी के पास बैठे बातें करें, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी, खाना खिला कर भेजूंगी रात का। जाओ बेटा, ले जाओ इनको ऊपर। जी आइए। अच्छा फिर मिलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत दुनिया है मेरी बेटी की। और इसी दुनिया को ये फूंकने चली थी। अच्छा बस, बिला वजह बार बार इसे माजी याद दिलाकर शर्मिंदा मत करो। अब तो मेरी बच्ची खैर से मां बनने वाली है। दो मियां खुश तो होंगे? जी बहुत खुश है। माशाल्लाह, क्या कहते हैं, बेटा चाहिए या बेटी? ऐसी कोई फरमाइश नहीं की उन्होंने। मुझे हैदर भाई से इसी बात की उम्मीद थी। वो बहुत ग्रेट इंसान है वैसे, वरना अक्सर सुनने में आता है कि मर्द अपनी बीवियों से बेटे की ख्वाहिश कर करके उनका जीना हराम कर देते हैं। हर बच्चा अपना नसीब खुद लेकर आता है, और पास बच्चे तो अपने माँ बाप के रिश्ते को मजीद गहरा करते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ भी। अच्छा, हैदर ने कभी कोई ताने वाने तो नहीं दिए? कोई पुरानी बात, कोई बिला वजह की रोक टोक? अब पता है, मैं तो खुशी से पागल ही हो गई ये सुन के कि महमल इस घर से चली गई है। हाँ, मेरी बच्ची की किस्मत वैसे है बहुत अच्छी, कुदरत इसके रास्ते के सारे कांटे खुद ही चुन लेती है। जी आपकी बेटी का नसीब तो बहुत अच्छा है, पर दिमाग जरा खराब है, इसे ठीक रखने की जरूरत है। अच्छा तुम्हें कहा ना बस करो, अब ऐसी भी पागल नहीं है मेरी बच्ची, बहुत मान रखा है इसने हमारा। हमारी डांटें खाई, हमसे मारें खाई, लेकिन जबान से उफ तक ना की। बहुत नेक और फरमानबरदार है, ऐसी तो कोई होगी भी नहीं। तुम देखना, इसके खुशहाल घराने की तो मिसालें बनेंगी दुनिया में। हाँ ये तो है, इसने फरमाबरदारी तो दिखाई है। इंसान के कदम बहकते हैं, पर सही इंसान वही है जो खुद को वापस राह रास्त पे ले आए। दिलनशीन, तुम्हें भी लगता होगा कि हम लोग जालिम हैं, दुश्मन हैं तुम्हारे, पर ऐसा नहीं, हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं। हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, चाहते हैं कि जमाना भी करे, पर जब लोग तुम्हारी बेवकूफी का फायदा उठाते हैं ना, तो हमसे देखा नहीं जाता। हम बौखला बौखला के किस्मत से इसलिए लड़ते हैं कि यह आफत तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। तुम खुद बताओ, मिस्टर सादिक की और उनकी बीवी की हिम्मत होती अगर तुमने अपने पैर मजबूती से अपने किरदार पे जमाए रखे होते? पता नहीं वो खुद को क्या समझ रही थी। मेरी बहन के लिए तो अल्लाह ने उनके बेटे से कहीं ज्यादा एक बावकार मर्द का रिश्ता भेजा, जिसने और जिसके घर वालों ने उसकी इज्जत रखी,
मान रखा। हमें इन कोठियों से कोई लेना देना नहीं था। आज भी वो थाने में गुजरा हुआ वक्त मैं नहीं भूला हूं। ये मैसेजेस ये साबित तो करते हैं कि आपकी बहन का जोरों से इश्क चल रहा है उस लड़की के साथ। ये आखिरी मैसेज सुनो। हमजा, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे ना? आह दिल नशीन, मैं कह रहा हूँ ना, तुम परेशान मत हो, वो मान जाएंगे। वेरी गुड। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं घर वालों से बात करता हूँ, तुम प्लीज परेशान मत हो। आपने मुझे जेल में डालना है ना, आप डाल दें प्लीज। मेरी इज्जत को इस तरह ना उछले। तुमने मेरा कहना मान के मेरा मान रखा। ये बहुत अच्छी बहन हो गुड़िया। पता है मेरा दिल करता है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी दे। जीती रहो, खुश रहो हमेशा अपने शौहर के साथ। बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देती हूँ। इसे आपने उस वक्त खाना है जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। जी। आपकी वाइफ को कोई टेंशन है जिसकी वजह से कोई परेशानी हो? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना होगा आपको। आप उन शौहरों में से मत बनिएगा जो अपनी बीवी से खिदमत वसूल करते हैं। अच्छी गिज़ा, खुशगवार माहौल और ज़हन के मुतमईन होने से बच्चा हेल्दी होता है। और जितनी खुश और मुतमईन होंगी आपकी वाइफ, उतनी बच्चे में क्वालिटीज होंगी। ये मेडिसिन वक्त पे लेते रहिएगा। और ये आपकी फाइल। थैंक यू। हमजा है। आई नो, तुम्हारा नंबर सेव है, बोलो। वो एक्चुअली काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ। नशीन का नंबर ऑफ जा रहा है, कैन यू प्लीज चेक? तो इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? मतलब उसने अपना नंबर नहीं, तुम पे अपने दरवाजे बंद किए। नहीं, वो उसने मुझे कहा था कि उसको सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उसे वक्त नहीं, तुमसे किनारा कशी चाहिए। भूल जाओ उसे,
वो अपने शौहर के साथ अपने घर में बहुत खुश है। और आप? मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूं। भूल जाओ दिलनशीन को, शी इज हैप्पी एंड प्रेग्नेंट। व्हाट? आर यू श्योर? यस आई एम। और तुम भी आगे बढ़ो, मूव ऑन। शट अप। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। कहाँ हैदर और कहाँ तुम जैसा वाहियात इंसान। बहुत अच्छा किया दिलनशी ने जो तुम जैसे घटिया लड़के को रिजेक्ट कर दिया। वहीं तो मुझे फोन मत करना, समझे? मुझे दे तू दिल में जगह, मिले मुझको धूप में साया तेरा। तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में, कहीं भी गुजरा दिल बंजर मेरा। क्यों परेशान हो तुम? उलझ के रह गई हूँ हैदर, समझ नहीं आता कि किस सिमट जा रही हूँ। बस ऐसा लगता है कि जैसे किसी अजीब से भंवर में फंसी हुई हूँ। क्या अभी भी कायम हो तुम अपने फैसले पे? मैंने फैसला तो कभी लिया ही नहीं था। हालात जिस समय मुझे लेके जाते रहे, मैं चलती रही। अगर फैसला लेना होता तो तब लेती जब मेरी शादी हो रही थी। खुदा गवाह है इधर के मैंने शादी को निभाने की बहुत कोशिश की है, पर हर बार मेरे सामने कभी मेरा माजी, कभी आपका माजी मेरी खुशगवार जिंदगी के सामने आके खड़ा हो गया। मेरी वजह से, मेरे
मेरे रवैये की वजह से अगर तुमने ये फैसला लिया है तो मैं माफी मांगता हूं तुमसे, माफ करता हूं। ये फैसला वापस ले लो इस घर की खातिर, हमारे होने वाले बच्चे की खातिर। मैं वादा करता हूं तुमसे इस बात का कभी जिक्र नहीं करूंगा, कभी कोई ताना नहीं दूंगा। जो कुछ हुआ है सब खत्म, बस फैसला वापस ले लो। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपका ऑप्शन जा चुका है? नहीं। हाँ हैदर, तो आपने सोचा कि क्यों ना इस बद किरदार लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजार दी जाए? क्या करूं? तुम जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने एक बार भी ये बात नहीं सोची थी कि तुम्हारे जाने के बाद या मैं महमल से शादी करूं। मैंने नहीं सोचा था ये कभी। क्या करूं मतलब? अब तो आप यही कहेंगे ना कैसे यकीन दिलाऊं? बताओ क्या करूं कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ जाए? तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार। कितनी बेबसी महसूस होती है ना कि जब आप किसी को अपनी अपनी बात का यकीन दिलाना चाह रहे हो मगर मगर वो यकीन ना करे। कितना बेबस महसूस करता है इंसान, खास तौर पे एक औरत, जब उसे अपने किरदार की पाकीज़गी का यकीन दिलाना हो मगर कोई उसकी बात ना सुने, कोई उस पे यकीन ना करे। तुम मजाक बना रही हो मेरी बेबसी का। मजाक? मुझे मजाक लग रही है? मजाक तो मैं बन के रह गई हूं हैदर, कट के बट के जलील होके रह गई हूं मैं। आप जानते हैं आप इस वक्त मुझसे बहुत ज्यादा पुरसुकून हैं, परेशान हैं मगर पुरसुकून हैं। हर एक चीज आपके हाथ में है, आप हालात के मोहताज नहीं हैं। अब क्यों आपको मैं याद आई? मां बीमार है, ये बच्चा होने वाला है, वरना इससे पहले तो मैं हर किसी के आगे हाथ जोड़ती रही, मिन्नतें करती रही, समझाती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही कि एक बार मेरा यकीन कर ले। अगर किसी ने मेरी बात ना सुनी, मुझ पे इल्जाम धरते हैं। क्या आप मेरा दर्द महसूस कर सकते हैं इधर? मेरा दर्द महसूस नहीं कर सकते। अच्छा। नहीं। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो
उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आंखों में ये डील मैंने की थी ना। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये तरीका क्या है बात करने का और इस तरह कमरे में आने का। और जो आप कर रही हैं वो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये बिजनेस मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत से एस्टेब्लिश किया था और इस बिजनेस को चलाने के लिए और बड़े डिसीजंस लेने के लिए अकल और होश की जरूरत होती है। होश तो तुम्हारे नशे ने उड़ा दिए और अकल तुम्हारे इश्क ने। ऐसी हालत में मैं इतने बड़े डिसीजंस तुमसे नहीं दिलवा सकती। क्या कहना चाहती हैं आप? तुमने अभी 40 मिलियन का नुकसान कराया है। तुम्हारे नशे की वजह से तुम गलत रिस्क ले रहे हो और ये रिस्क मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मैं काम करता हूँ कि काम ही नहीं करता हूँ? ना रिस्क लूंगा ना काम आगे बढ़ेगा। हम रिस्क भी लेंगे और काम आगे भी बढ़ाएंगे और तुम्हें साथ लेके, जब तक तुम्हें हर फैसला हर डिसीजन मेरे और मामू के साथ मिलके करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मतलब अब इस जगह पे मैं आजादी से कोई काम भी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो अगर तुम ये नशे की लत छोड़ दो। कहो तो मैं बहुत अच्छे रिहैब। अरुण, मैं तो तंग आ गई हूँ सबसे।
समझ तुम तो मुझसे कह रही थी उस लड़की की शादी हो गई। हाँ शादी तो हो गई है, लेकिन अजीब बेहिस्सा हस्बैंड है कि अपनी बीवी को उस लड़की के लिए इतना वल्नरेबल बना दिया। तो तुम वार्न करो उसको, उसे कहो छोड़े हमसे का पीछा, समझाओ उसे कि कोई चांस नहीं है उसका हमारे घर में आने का। हाँ करती हूँ कुछ। होश तो तुम्हारे नशे ने उड़ा दी और अकल तुम्हारे इश्क ने। ऐसी हालत में मैं इतने बड़े डिसीजन तुमसे नहीं दिलवा सकती। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको बस इधर हाँ इसी जगह पे लगा दो। पता है दिलनशीन, जब मूवीज में देखती थी ना ऐसी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर हम जब इस घर में आए ना तो हैदर ने मुझसे कहा कि अब आप अपनी तस्वीरें लगाएं। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो वक्त गुजर गया, अब इंशाल्लाह मैं अपने बेटे और बहू की तस्वीर लगाऊंगी। असल मालकिन तो तुम ही हो ना इस घर की। भाभी जी, करना आपसे कहीं मिलने बाहर आपके कजन आए। मेरे कजन? जी वो कह रहे हैं कि बेगम साहिबी की तबीयत पूछने आए हैं। अब जाओ देखो बेटा। जी हेलो मांडिया कजन, मैंने सोचा कि तुम्हारी सास बीमार है तो जाकर उन्हें देख ही आऊं। चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारी जिंदगी से जाने के लिए नहीं आया था नशी। फिर? तुम्हें साथ लेके जाने के लिए आया। क्यों? मैं साथ आओ एक इम्पोर्टेंट बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहां से। ओके तो फिर मैं अंदर जाकर तुम्हारी सास को बता देता हूँ कि वो मरने वाली है और उनकी बहू मेरे साथ अफेयर चला रही है। तुम कितने घटिया इंसान बन चुके हो। इसी घटिया आदमी में मरती थी तुम। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। मेरे ख्याल है मैं अंदर चला जाता हूँ। नहीं हमजा प्लीज, मैंने हैदर से तुम्हारे बिहाफ पे प्रॉमिस किया ये मत करो। वादे तो मेरे साथ भी बहुत किए, प्यार करने के, साथ निभाने के। अरे छोड़ो, ये बताओ फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तुम बदतमीजी करते हो मेरे साथ। मैं किस किस को सिफाइयां दूं, तुम्हें या हैदर को? तंग आ चुकी हूँ, नहीं गुजारनी ऐसी जिंदगी। I'm sorry, परेशान हो जाता हूँ यार। इसका कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब होगा जब तुम मुझसे मिलने आओगे, प्रॉमिस करो।
प्रॉमिस करो कि अपना फोन ऑन करोगी और मुझसे मिलने आओगी, नहीं तो मैं अंदर जाके तुम्हारी सास को सब कुछ बता दूंगा। अभी अंदर जाओ दिलनशीन और अपना फोन ऑन करो। तुम्हारे फोन पर मेरे फोन की बेल जाएगी तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना अंदर तो मैं आ ही चुका हूँ। लो अच्छे लग रहे हैं। लो भाई, लग गई मेरे राजा और रानी की तस्वीर। कैसी लग रही है जी? अच्छी। जाओ तुम यहाँ से, प्लीज चले जाओ। तुम्हारा ये एटीट्यूड सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। अपने शौहर से डरने लगी हो, उससे प्यार भरे वादे भी किए होंगे। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, प्लीज प्लीज चले जाओ। रात में कॉल करूंगा मैं। खुश रहो बेटा, शाद आबाद रहो। ये बताओ कौन आया था आज? वो दूर के कजिन थे मेरे। मैं कैसे पता चला था कि आपकी तबीयत खराब है, तो वही पूछने आए थे। अच्छा अच्छा, तो बेटा अंदर बुलाती ना। जी, मैं अंदर ही लेकर आ रही थी तो उनके ऑफिस से कॉल आ गई। कोई इमरजेंसी थी तो उनको जाना पड़ा। जानती हो, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें दुल्हन कह के पुकारूं। अल्लाह बख्शे मेरी सास मुझे कहा करती थी, लेकिन उस वक्त तो खैर बात और थी। अब तुम आजकल की बच्चियां कहां तुम्हें दुल्हन कहें। और सच पूछो तुम, मुझे भी बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं अपने जमाने के हिसाब से मॉडर्न थी और जाहिर जवान भी थी, तो वो बेचारी जब दुल्हन कहती तो मुझे बुरा लगता था। लेकिन अब जब मैं खुद उस उम्र को पहुंच गई हूं, बहुत अच्छा लगने लगा। इन अल्फाज में बड़ी अपनाइयत थी, एक मान था, खुलूस था। फोन सुनो। हाँ हाँ। हेलो। कौन? दिलनशीन बोल रही हो? जी, आप कौन? हमजा की माँ, जिसे घर तुम हर रोज उसको दाना डालने आती थी। सोमी आंटी कहती थी मुझे। जी, अरे कितनी बेशरम हो, कितनी बेइज्जती करी, जलील किया तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अरे कोई
कुछ तो शर्म करो, अपने मियाँ का ही लिहाज कर लो। शर्म आनी चाहिए, कुछ हया कर लो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे जितना भी मेरे बेटे ने तुम्हें सबसबाक दिखाया हो, अगर वो भगा कर लाया तो याद रखना, रुल जाओगे, सड़कों पे आ जाओगे, दर दर की ठोकरें खाओगे। हम कभी भी एक भागीनी लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बनाएंगे, समझी तुम तो?